हबीब
देखेंगे और कोई गम न देखें, बदल के दुनिया मसाइल हैं होते रहते हैं, इसलिए परेशान मत होइए। और आपका जब अगर बैठना एक एक सांस हर लम्हा यकीनन इबादत का दर्जा रखता है। आज कर रहा था कि आज़ादार की और आज़ादार की फजीलत के हवाले से, जिस तरह महाफिल आज़ादारी का नूर साते होकर अर्श वालों को मुतसर करता है, इसी तरह रवायत में मिलता है एक और भी चीज़ है। जब से वाकई करबला रूनुमा हुआ है, जो दर जो फरिश्ते और मलाइका बारगाहे रब्बुल इज्जत में मुतमन्नी होते हैं कि परवरदिगार हमें इजाजत बरहमत फरमाई जाए कि हम ज़ियारत कब्र हुसैन करें, ज़ियारत कब्र मौलाए मज़लूम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम करें, मौलाए मौलवी जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का सलाम अर्शाद फरिश्तों के गिरोह दर गिरोह बहुत बड़ी तादाद में ज़मीन पर नाजिल होते हैं और करबला में ज़ियारत मौलाए मज़लूम करते हैं। इमाम फरमाते हैं उस दिन से लेकर आज तक जो एक मरतबा ज़ियारत करके गए हैं उन्हें फिर दूसरी बारी नसीब नहीं हुई, उन्हें फिर दूसरी बार नसीब नहीं हुई, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में मलाइका और फरिश्ते तैयार बैठे हैं कि मौला जी एक मरतबा सवार हुसैन होकर आए हैं, हमें भी मौका इनायत हो ताकि हम भी ज़ियारत कब्र हुसैन इब्ने अली कर सकें। अब इससे आगे बढ़कर मौला फरमाते हैं कि जब ही फरिश्ते एक ग्रोह आता है और दूसरा गिरोह वापस जाता है, और जब ये परवाज करते हुए जन्नतों में से गुजरते हैं तो हूरा ने बहेश में जन्नत की खिड़कियों से चेहरे बाहर निकाल कर इन मलाइका से इस्तफसार करती है कि ये कैसी खुशबू है कि जो हमने कभी जन्नत में भी महसूस नहीं की, ये कैसा इत्र है, ये कैसी खुशबू है। फरिश्ते फख्र के साथ कहते हैं हूरो तुम्हें क्या खबर जन्नत की खुशबू की हैसियत ही क्या है, हमने खुद को कब्र खाके शफाए हुसैन से मस किया है, ये खाके करबला की खुशबू है। खुशबू कहाँ से आई है तो आप अंदाजा लगाएं
वही फरिश्ते जब हिसाब किताब के लिए इस मोमिन की कब्र में आएंगे और वही खाके करवाला इसकी आंखों पर सजी हुई देखेंगे तो ये कितने मुतासर होंगे कि ये उसका मुरीद है जिसके हम सवार हैं। किस तरह कि जब हमारा नुआ खान नुआ पड़ेगा तो सीना
जब पार्टी तब्दील हो गई, अंजुमन तब्दील हो गई, तो मेरा हाथ भी उठ गया, मैं बाहर निकल गया। फिर दूसरा ग्रुप आए तो उनका लोहा खान, ये कौन सी पार्टी का लोहा खान है? ये पार्टियों और तंजीमों के लोहा खान है, मातमदार है। हुसैन का मातमदार किसी तंजीम और पार्टी का मातमी नहीं होता। ये हम में डूबे हुए हैं या सिर्फ दो चार घंटों के लिए?
انداز لطیفے کہہ گئے فضولیات جی نے یہ 10-12 دن کے لیے خود کو مولا حسین کے غم کے حوالے کر دیا اپنے دل میں قلب و جگر میں اپنے احساسات میں غم حسین کو محسوس کر خود پر غم طاری کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آج یہ جو مجلس کا سلسلہ تھا یہ 10-15 منٹ تھوڑا ڈسٹرب رہا ہے تو اگر میں 11:20-25 پر یا 11:30 تک مجلس ختم ہو جاتی ہے اب کیونکہ 15 منٹ لیٹ ہوا ہے پروگرام 20 منٹ لیٹ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے میں وہ 15-20 منٹ آپ سے مانگ کر آپ کے بعد کا لیا ہوں اگر آپ اجازت دیں گے تو ان کے ذریعے تو حاضر ہوں گے ان شاء اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو شاد و آباد رکھے غم حسین میں بیٹھنے کو عبادت کا اجر عظیم قرار دے ان شاء اللہ ذمہ داری اور اس دور کے آزادات کی ذمہ داری گزشتہ ادوار کے آزاداروں سے کئی گنا بڑھ کر یہ مرزا سلامت علی دبی اور میر ببر علی انیس کا دور نہیں ہے یہ داعش کا زمانہ ہے یہ طالبان کا زمانہ ہے یہ القاعدہ کا زمانہ ہے آج ناصبی اور خارجی بہت بڑی تعداد میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمارے آزاداری غیر مؤثر ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ظاہر ہیں تنقید کر رہے ہیں یہی تو آزاداری کا کارنامہ ہے کہ اب تک جن کے چہروں پر نقاب پڑی ہوئی تھی آپ کی آزاداری نے وہ نقابیں اتار کر پھینک دی ہیں انہیں اریا کر دیا ہے کہ دیکھو یہ یزیدی ہے یہ اپنی کمزوری مت سمجھیے یہ آزاداری کی طاقت ہے اگر صحت اور طاقت کا انجیکشن کسی کو ری ایکشن کرے تو یعنی اس کے وجود میں کوئی کمی کوتاہی ہے اگر نیاز حسین سے ری ایکشن ہوتا ہے اگر سبیل سے طبیعت خراب ہوتی ہے اگر مجلس و تعزیہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے تو سب کیے کہ ری ایکشن ہو رہا ہے حسینیت کا کیونکہ بلڈ گروپ مل نہیں رہا اندر میں یزید ہے باہر سے روح حسینی کا تھارے ہوئے تھا اب بے نقاب ہو گیا ہے ری ایکشن کی وجہ سے کہ حسینیت کا خون ہو رہا ہے یزیدیت کا نگیٹو ہے طہارت
जब देखा कि उनको ट्रैक से नहीं हटा सकते, ट्रैक से नहीं हटवाएंगे, मारा नहीं हटा, बम लगाए नहीं हटे, खुद कुछ हमले किए नहीं हटे, गालियां दी नहीं हटे, फतवाएं दिलवाई नहीं हटे, बिकाऊ मुश्तियों को मैदान में लाए नहीं हटे, ट्रैक से नहीं हटवाए। चलो कोई ऐसी साजिश करो कि ट्रैक पर तो जा रहे हैं, रफ्तार कम हो जाए जरा, ट्रैक से तो हटा नहीं पाते, रफ्तार कम हो जाए। कभी आपके अंदर से लोगों को खरीदा, जो वाकई अभी उसे भी बने नहीं थे कि जाओ हम तो मुकाबला बजाय नहीं कर सके, तो अंदर से खदफिशार पैदा करो, इंतशार पैदा करो, फिर वो लोग तैयार हो गए। मैं बार बार अर्ज करता हूँ, बारह आपकी मजालिस में भी कह चुका हूँ कि ये 5-7 मीटर कपड़ा कोई इतना ज्यादा महंगा थोड़ी है कि मुनाफे भी ना खरीद सके, मिल जाती है, और एक मलंग वाला टंगर मिल जाता है 10-20-25 रुपए का, 5-8 सौ रुपए का कपड़ा मिल जाता है, 4-5 सौ रुपए सिलाई, 1-2 हजार में पक्का मोमेंट नजर आता है। इसलिए तो हुसैन के नाना ने कहा था कि जाहिर पर मत जाना, अगर मैम नहीं सुना
उनकी एक बहुत बड़ी मालूम।